हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आपको बिटकॉइन से रिलेटेड एक सीरियस अपडेट बताने वाला हूँ। तो रिसेंटली हुआ क्या था, जयपुर में एक ऑर्फनेज हाउस के उद्घाटन के लिए मिस्टर कॉटन, जिनकी उम्र 30 साल है, वो आए थे। वो एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, जो कि CEO थे, हेड थे। क्वाड्रिका एक बिटकॉइन का बड़ा सा एक्सचेंज है, वो क्वाड्रिका एक्सचेंज के हेड थे। तो उनकी जयपुर में अचानक से, वो उद्घाटन के दौरान या फिर उसी वक्त अचानक से डेथ हो गई। तो उनकी डेथ होना तो ये एक बहुत बड़ा दुखद घटना थी, मगर साथ में और एक बुरी घटना उसके साथ ये घटी कि मिस्टर कॉटन जो थे, ये क्वाड्रिका बिटकॉइन एक्सचेंज के CEO थे, और उससे रिलेटेड जो भी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन थे या फिर जो भी फिनेंशियल उसके चीज़ें होती थी, वो इनके पासवर्ड से होती थी, इनके लैपटॉप से होती थी, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। और इस जो लैपटॉप था, उसके अंदर लगभग 250 मिलियन डॉलर, जो कि 1750 करोड़ होता है इंडियन रुपीज़ में, तो इतने अमाउंट के लगभग जो बिटकॉइन थे, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन थे, उनके पासवर्ड मिस्टर कॉटन को पता थे। उनकी डेथ के साथ ही वो पासवर्ड अभी किसी को रिट्रीव नहीं हो रहे, या फिर किसी को नहीं मिल रहे। उन्होंने कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना कि उनकी वाइफ को उसके बारे में कुछ जानकारी है, जो कि उनकी वाइफ ने अभी बताया। तो उसके वजह से इस बिटकॉइन एक्सचेंज के अंदर जो 250 मिलियन डॉलर थे, वो अभी किसी को नहीं मिलेंगे, और वो लॉस्ट के बराबर है। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ बिटकॉइन से रिलेटेड हुई है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एलिगेशंस भी शुरू कर दिए कि एक फेक डेथ हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह, मगर फ़िलहाल तो ये प्रेजेंट टेंस की कंडीशन है कि वो पैसे अभी जो बिटकॉइन के फॉर्म में है, वो रिट्रीव नहीं हो रहे हैं। और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी उठा हुआ है बिटकॉइन की ओवरऑल ऑपरेटिंग पे, कि सिर्फ एक ही आदमी के पास इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के पासवर्ड क्यों थे, और उसको कैसे रिट्रीव किया जा सकता है। उसमें हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट करके होता है। जो हॉट वॉलेट, वो एक्टिव ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है बिटकॉइन का, और जो कोल्ड वॉलेट है, वो USB वगैरह में बिटकॉइन स्टोर किए जाते हैं। तो हॉट वॉलेट में भी बहुत सारे बिटकॉइंस अवेलेबल नहीं है, और बाकी कोल्ड वॉलेट के भी कोई बरामद नहीं हुए। तो अभी फ़िलहाल 1750 करोड़ एट स्टेक है, वो भी एक CEO आदमी की दुखद निधन के बाद। तो ये एक सवाल या निशान उठाता है बिटकॉइन के ओवरऑल ऑपरेटिंग पे, कि उसका फ्यूचर में ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। अभी रिसेंटली बहुत कुछ सालों से ये बिटकॉइन एक नया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू करके राइज हुआ था, मगर फ़िलहाल कुछ दिनों से इसका प्राइस बहुत गिरा हुआ है, ये लोअर लेवल पे चल रहा है। और इंटरनेट और RBI ने भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डालने की वजह से इसके ट्रांजैक्शंस पे बहुत लिमिटेशंस आए थे। तो ये एक अपडेट था क्वाड्रिका बिटकॉइन एक्सचेंज के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फ्रेंड।